सर्कल में हमको बहुत कुछ अचीव करना होता है, लेकिन शायद एज अ वुमेन हमारी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उनको पूरा करते करते हमारे ड्रीम्स और विजन्स कहीं दब जाते हैं और कहीं वो अंदर ही रह जाते हैं। तो जब तक लाइक माइंडेड लेडीज साथ में ना मिलें, तो शायद वो अपने आप को पूरा फिर से उस विजन या उस ड्रीम तक ले जा नहीं सकते हैं। तो वी वॉन्ट एवरी वुमेन टू रीच दैट पोजिशन, क्योंकि लाइफ एक एज इट इज सेड कि एज वुमेन वी आर नॉट जस्ट वन इन अ मिलियन, वी आर वंस इन अ लाइफ टाइम। हमको सबको एक ही जिंदगी मिली है, इसी में हमको बहुत कुछ अचीव भी करना है और एक लेवल तक भी पहुंचना है। और शायद कभी हम अकेले वो काम नहीं कर सकते हैं जो शायद हम सब मिलके कर सकते हैं, बिकॉज अकेला घोड़ा दौड़ता है तो शायद उसकी स्पीड में, शायद उसकी ताकत में कमी आ सकती है, लेकिन अगर जब चार घोड़े साथ में दौड़ रहे होते हैं तो एक घोड़ा शायद थोड़ा कमजोर भी हो, तो वो जो तीन घोड़े हैं जो बहुत तेज दौड़ रहे हैं वो उसको भी अपने साथ लेके आगे तक पहुंचा देते हैं। वी ऑल हैव आर स्ट्रेंथ्स, वी ऑल हैव आर वीकनेसेस, वी ऑल हैव आर सक्सेस स्टोरी, वी ऑल हैव आर स्ट्रगल स्टोरीज, बट हम एक दूसरे की सक्सेस से भी बहुत कुछ सीखते हैं, एक दूसरे की स्ट्रगल से भी बहुत कुछ सीखते हैं, बिकॉज लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। सब कुछ सिल्वर प्लेट में सबको नहीं मिला होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको उतना प्रिविलेज या उतनी अपॉर्चुनिटीज लाइफ में नहीं मिलती है, तो वी वॉन्ट टू गिव दोज अपॉर्चुनिटीज टू दोज पीपल हु वॉन्ट टू ग्रो, हु हैव दैट फायर टू ग्रो, हु हैव दोज टैलेंट्स एंड स्किल टू ग्रो, लेकिन उनके पास में वो जरिया नहीं है, रास्ता नहीं है। तो हम वो रास्ता बनना चाहते हैं ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि मुश्किलें तो बहुत आएंगी जब एक औरत काम करने के लिए निकलती है। जैसे हमारा नाम है बिजनेस एंड बडीज, हमारे चैप्टर का नाम है ईका। ईका इज द फर्स्ट चैप्टर नेम एंड ईका मीन्स द गॉडेस, गॉडेस दुर्गा, एंड द मीनिंग ऑफ ईका इज द मैचलेस और द फर्स्ट वन। सिंस दिस इज द फर्स्ट चैप्टर, इट्स नेम इज ईका एंड वी आर मैचलेस, बिकॉज एज वेमेन जिस तरह से माँ दुर्गा के आठ हाथ होते हैं, माँ दुर्गा बहुत कुछ कर सकती हैं उनसे, उसी तरह शायद थोड़ी शक्ति हमारे अंदर भी है। हम अपने घर के बहुत सारे काम मैनेज करते हैं, हम बहुत सारे चीज़ों को हमको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना पड़ता है, बिकॉज हम जो पीछे घर छोड़ के आते हैं उसकी भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे ऊपर है। तो वी हैव टू बैलेंस सो मेनी थिंग्स टू मूव फॉरवर्ड। तो एज आई ऑलवेज से दैट अ वुमेन इज अ मिक्सचर ऑफ एम्पैथी एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग। उसको बहुत सारा ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ता है इस लेवल तक पहुंचने के लिए, बहुत सारी सैक्रिफाइसेस करनी पड़ती है। शायद हमको अपने जो सोने का टाइम है, मैं जनरली वो करती हूँ तो मुझे लगता है सब करते भी होंगे, वो जो मेरा रेस्ट का टाइम होता है उसमें से समय निकालती हूँ, नींद के टाइम समय में से समय चुराती हूँ ताकि मैं कुछ एक्स्ट्रा कर पाऊँ जिंदगी में। अगर मेरा बच्चा बीमार है, हो सकता है हस्बैंड बाहर चले जाए, लेकिन मुझे बहुत चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। मेरे घर पे गेस्ट आ गए, मेरे हस्बैंड ऑफिस आराम से जा सकते हैं, बट इट्स माय ड्यूटी टू सर्व माय गेस्ट। तो औरत की एक अलग तरह की, अभी जब एम्पावरमेंट की बात करते हैं ना, सब ये कहते हैं कि औरत और आदमी इक्वल है। आई डोंट थिंक, गॉड हैज नॉट मेड अस इक्वल। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेन के पास में है, दे हैव द फिजिकल पावर, दे हैव द स्ट्रेंथ, दे हैव द मेंटल पावर। वुमेन एज वुमेन वी आर इमोशनल बींग्स। हमारे पास जो माँ है वो वाला फीलिंग शायद पिता के पास नहीं हो सकता है, तो वाई एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं है हमको मर्दों जैसा बनना है, क्यों बनना है। वी आर वुमेन, वी वॉन्ट टू बी वुमेन, वी वॉन्ट टू सेलिब्रेट वुमनहुड। सो बी एन बी इज हियर टू सेलिब्रेट कंप्लीट वुमनहुड। हमको एक पूरी पूर्ण रूप से एक औरत बनना है जहाँ पर हम हर चीज़ को सेलिब्रेट करें। हम वी आर इमोशनल, हमारे अंदर बहुत सारे ट्रांजिशन आते हैं डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ में, वी हैव डिफरेंट ट्रांजिशन। हम बहुत, शायद हमारा जो फीलिंग है वो एक औरत ही समझ सकेगी, क्योंकि हॉर्मोनल चेंजेस की वजह से हमारे अंदर जो आती है। तो लेट्स बी टुगेदर, बी स्ट्रॉन्गर टुगेदर, बिकॉज मुश्किलें तो बहुत आएंगी, और जैसे कहा जाता है मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाएगी। हमारे हमारे स्वप्नों को और हमारी इच्छाओं को जो है हमारी आंखों से दूर भगाएगी, लेकिन गिर के भी हमें उठना है दोस्तों, क्योंकि ये मुश्किलें ही हैं जो हमें चलना सिखाएगी। थैंक यू। पहले तो हमने जब ये जर्नी स्टार्ट की तो वी हैव इनवाइटेड, हम सबके पास कुछ दोस्त होते हैं, उनके दोस्तों के दोस्त होते हैं, तो हमने पहले हमारे सर्कल में से, हमारे कॉन्टैक्ट्स में से कुछ ऐसे लोगों को लिया, हमने उनको इनवाइट किया कि आप आओ हमारे साथ जुड़ो। एक मीटिंग करी हमने जहां हमने सबको बुलाया, हमारा जो मकसद है, हमारा जो मिशन है वो उनके साथ शेयर किया। तो जब लाइक माइंडेड लोग एक जैसी तरह की चीज़ें सोचते हैं वो जुड़ जाते हैं, बोलते हैं ना बर्ड ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, तो उस तरह से चुंबक के जैसे, मैग्नेट के जैसे वो एकदम एक दूसरे के साथ आके
जाके चिपक जाते हैं. तो वैसे ही लाइक माइंडेड लोगों को हम जोड़ते गए. एंड इट इज़ मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जब एक ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे जिसकी शायद ज़रूरत भी नहीं हो सिलीगुड़ी को और शायद कमी भी नहीं हो ऐसे प्लेटफॉर्म की. बहुत सारे नेटवर्किंग फोरम्स हैं लेकिन फिर भी वी आर ब्लेस्ड आई थिंक बिकॉज वी हैव stepped with another mission in mind, with another vision in mind, with different ideologies in mind. So we are having 35 members hain mere saath, mere ko leke 36 members hain during my launch. So I think this is a milestone for us. And 36 se hame 3600 members karne hain aur usse bhi zyada karne hain because we want every woman to be empowered with us. लॉन्च अपना कल है तो लॉन्च के बारे में हमारी पीसी बताएंगी आपको. वी हैव आवर लॉन्चिंग ऑन टुमारो 10 सितंबर एट रामादा. वी आर ग्लेड एंड ऑनर्ड बाय आवर गेस्ट सुलोचना मानसी जी सोशल एक्टिविस्ट, मीनू कुमारी जी कमिश्नर ऑफ सेंट्रल CGST, आर के जैन जी वांसी बिल्डर्स, सरवन जी MDF ऑफ सिटी गोल्ड, प्रदीप जी चेयरमैन ऑफ CII एंड फाउंडर ऑफ द फोर वेदास, धीरज जी गोलियान फाउंडर ऑफ चैटर बॉक्स, एस्टीम्ड गेस्ट निकिता जी एंड प्रियांशी जालान जी, कोलाबोरेटर्स हरीश जी जेम्स इंडिया ज्वेलर्स, सारिका गुप्ता द बुटीक सारिका गुप्ता, विकास बिंदल फ्रॉम बिंदल ट्रेडिंग एंड संदीप घोसाल द फाउंडर ऑफ ब्राइट अकेडमी. वी हैव सम सपोर्टर्स ऑल्सो, सुनिशा जी विल लेट यू नो अबाउट द सपोर्टर्स. सम्राट राजपूत, एस आर मॉडलिंग, केशव बैर, आर के पेपर्स, अभय जी ग्लो डिजिटल, राकेश जी सोमानी फ्रॉम SKLive. ये प्रोग्राम रमाडा एमकोर में हो रहा है कल 10 बजे, 10:30 बजे इसका लॉन्च हो रहा है. दिस वुड बी अराउंड वी विल फिनिश ओवर लंच, तो 1-1.5 बजे हमारा प्रोग्राम खत्म होगा. सबके लिए और कुछ बोलना चाहेंगे आपकी तरफ से कोई मैसेज? हमारा मैसेज यही है, आई वुड लाइक माय मीडिया कोऑर्डिनेटर रजनी बी एन रजनी जी टू स्पीक अबाउट द मिशन एंड ऑल्सो टेल अस गिव अ मैसेज. BNB is not just an organization, it is a revolution for the women. We are asking other entrepreneur women to come and join us. Our motto is to connect, collaborate and succeed. Through networking, we meet each other and we discuss our problems and things with each other and we collaborate. And after collaboration, we succeed. Since we help each other to get success, this is our motto. We ask women entrepreneurs to come and join us and increase their business too. We have our NLP coach, she is our member, so she is a huge mentor and she is a force for us, energy for us. I would like her to say something. Thank you so much. Simple सी बात है, आज अगर हम सबसे पैसा ले लेना और सब में बांट दें, 3 महीने बाद उन्हीं के पास चला जाएगा जिनके पास था. क्योंकि ये रिसर्च है, ये मेरी मैं यूं ही नहीं बोल रही हूँ, रिसर्च इट्स बिन डन एंड ये हाइपोथेटिकल चीज़ें जो है ये राइट है कि अगर 3 महीने के अंदर अंदर ये पैसा वापस उन्हीं के पास जाएगा. क्यों जाएगा? बिकॉज दे हैव गॉट राइट स्ट्रेटेजी, राइट स्किल, राइट फिलॉसफी, राइट वैल्यू, राइट आइडेंटिटी. हम भी ट्रायल एंड एरर कर सकते हैं, हम ट्राई करते रहेंगे गिरते रहेंगे, ट्राई करते रहेंगे गिरते रहेंगे. लेकिन जब इस प्लेटफॉर्म में आते हैं और जहाँ जैसे इन्होंने कहा आर के जैन जी हैं, श्रवण जी हैं, प्रदीप जी हैं, ऐसे लोगों का कोलैबोरेशन हमें मिलता है. सीमा बेज जी खुद जो एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ऑलरेडी चला चुकी हूँ एंड दूसरा वापस कर रही हूँ. इतना कुछ होने के बाद हो ही नहीं सकता है कि आपको ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा. वी आर डेफिनेट एंड वी आर वेरी क्लियर योर सक्सेस हम जो आपको दिला पाएंगे डिकेड सेल्स करेगा. आप एक ट्रायल एंड एरर कर सकते हो, खुद से करते रहिए. दूसरा है राइट फिलॉसफी, राइट स्ट्रेटेजी, राइट थिंग जो आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा. तो इट्स योर चॉइस विच वन यू वांट. थैंक यू सो मच. नीता जी इज हियर विद अस, बीएन नीता, शी वुड लाइक टू शेयर समथिंग विद यू. या लाइक वी हैव अ विजन लाइक टू इवॉल्व. इवॉल्व करेंगे तभी सब साथ मिलेंगे, तभी जुड़ेंगे और जुड़ेंगे तो जीतेंगे. यही हमारा है. वी विल एनरिच एंड एम्पावर ऑल आवर लेडीज, ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर ग्रुप एंड और भी मेंबर्स को ज्वाइन करवाएंगे एंड वी विल हैव अ टीम स्पिरिट एंड वी विल विन. दिस इज आवर
विजन। अगर कोई ज्वाइन करना चाहे आप लोगों को तो वो कैसे करें, आप लोगों से कॉन्टेक्ट कैसे? वी विल शेयर आर नंबर, अभी मैं बोल देती हूँ, मेरा नंबर है 9903093426, दिस इज़ माई नंबर, यू कैन कॉल मी। फिर आप जो मेम्बर्स हैं उनसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, आप उनसे कनेक्ट करिए। एंड यू कैन, वी हैव आ फेसबुक पेज, वी हैव आ इंस्टा पेज, सोशल मीडिया हैंडल्स हैं हमारे, उन पर आप हमको मैसेज सेंड कर सकते हैं एंड वील गेट कनेक्टेड टू यू। हाँ जी, रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह कुछ चाहिए होता है? 3000 ईयरली रजिस्ट्रेशन फीस है और 3000 क्वार्टरली है, क्वार्टरली बिकॉज वी हैव टू मीटिंग्स एवरी मंथ, तो वो 3000 जो क्वार्टरली है इट इज़ दैट एक्सपेंस, और 3000 ईयरली है। येस वी विल बी हैविंग मीटिंग्स ऑन फिक्स्ड टाइम एंड फिक्स्ड प्लेस, क्योंकि ये बिजनेस मीटिंग्स होंगी एंड अब मीटिंग्स जो होंगी मे बी वील हैव सम सोशल मीटिंग्स ऑल्सो, बट एक फिक्स टाइम और प्लेस रहने से आपको अपना एजेंडा, अपना अपॉइंटमेंट्स कोई कहीं किसी को देना होता है तो उसमें आपको सुविधा होती है, तो वी वुड लाइक टू हैव मीटिंग्स ऑन फिक्स टाइम एंड डेट एंड प्लेसेज ऑल्सो वुड बी फिक्स फॉर आर मीटिंग्स। We have a our motto. Connect, collaborate. Our motto to connect, collaborate, and succeed. Okay. Our motto at BNB. Our motto at BNB is to connect, collaborate, succeed. Thank you. Thank you.